देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बीते दो दशक में शायद ये पहले दो साल हैं जहां भारत आगे बढ़ने के बजाय पीछे गया है। मतलब कोरोना के इस दौर ने हमारे देश को बीमार किया है, हर पहलू पर बीमार किया है, आर्थिक हो, सामाजिक हो, लोगों की जान पर बनाई है। कई लोगों की जान चली गई, मसला सीधे सीधे स्वास्थ्य महकमे का है ऐसा लगता है। लेकिन इसके बीच एक चीज और है जो निकलकर सामने आई है, वो है करप्शन। कोरोना करप्शन का बाप बनकर सामने आया है। यहां तक तो ठीक था क्योंकि करप्शन भी क्राइम का मामला है, मसला है। लेकिन जब करप्शन उस सिचुएशन में किया जाए जहां लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो, तो ये सीधे सीधे इंसानियत पर हमला होता है। और कोरोना काल में तो कथनी और करनी मुहावरे का इतना शानदार इस्तेमाल हुआ है कि क्या कहना। अखबार में सरकारी इश्तिहार देखो तो कहते हैं ऑक्सीजन है, कोई कमी नहीं है। घर पर किसी बीमार को देखो तो ऑक्सीजन है ही नहीं, कहां है ऑक्सीजन। ये दूसरी कोरोना लहर की तस्वीरें हैं। पहली लहर में तो इतना गड़बड़ झाला हुआ कि पूछो मत। खैर 27 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का इंट्रोडक्शन हुआ और आज भारत में नाजायज रूप से आए इस मेहमान को पूरे 1.5 साल होने जा रहे हैं। इस मेहमान को भगाने के बस दो इलाज हैं, एक है बचाव और दूसरा है वैक्सीन। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वो बाहुबली है, लेकिन कई काल भैरव भी है जो देश का भला चाहते ही नहीं और इन्हीं इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ हम मुहिम चला रहे हैं। बीते सोमवार आवाज के प्रोग्राम में, बीते जो शनिवार गया है उसके आवाज के प्रोग्राम में आपको दिल्ली के ओखला की डेवॉक लैब के बारे में बताया था, जो 200-300 रुपए में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट बांट रही है। तो आज दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हैं, कानपुर चलते हैं। कानपुर में पत्रकार साथियों ने बहुत अच्छा काम किया है। कानपुर की लाल पैथोलॉजी में बिना सैंपल के कोरोना रिपोर्ट बांटी जा रही है। जी हां, सुनने में कितना असहज सा लगता है, खौफनाक है। और इस रिपोर्ट में पत्रकार ने लैब के लोगों को बताया कि वो केदारनाथ जाना चाहते हैं और वो राजी हो जाते हैं, 1200 रुपए लेते हैं और रिपोर्ट दे देते हैं। अब सवाल है कि अगर कोई शख्स कोरोना संक्रमित है और वो इन लैब से आसानी से कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लेकर देश में कहीं भी घूम सकता है तो कोरोना खत्म कैसे होगा। ऐसे कितने भी बाहुबली बन जाएं, लेकिन जब तक ऐसे काल भैरव गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, देश देश, चौराहे, हर जगह, राज्य राज्य घूम रहे हैं, देश हमारा बीमारी से बाहर कैसे आ पाएगा। रिपोर्ट थोड़ी सी लंबी है लेकिन जरूर देखिए। पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि इस रिपोर्ट को दिखाइए। आपके लिए नहीं करूँगा, जहाँ प्रधानमंत्री नाम है उसके लिए मैं करूँगा, ठीक है। बस ठीक है।
अगर पता नहीं होता तो हमने उनके वहाँ बदलाव से मैं अभी तुरंत है टू रन नहीं आधार कार्ड दे दिए लेकिन बात हमारे आधार कार्ड चाहिए होगा अभी नंबर देने काम चल जाएंगे नहीं हमें पूछा हो जाएगा नहीं आधार कार्ड है यहाँ अवेलेबल नहीं है ना ये कार्ड बड़ा हुआ था मतलब नहीं उससे आधार कार्ड की व्हाट्सएप में पड़ा है व्हाट्सएप में नंबर मंगवा सकते हैं या कहिए लेके आ जाए एक घंटे का समय लगेगा हमें आप एक काम करिए इसे फॉर्म भरिए मुझे मेरा नंबर लीजिए मुझे व्हाट्सएप करिए हमें आप आपकी दौड़ बच जाएगी व्हाट्सएप पे मंगा ले काम चल जाए नंबर दे मेरा नंबर 7905 732 7 6 7 9 नाम जी सर प्रसिद्ध एक बार फिर दो बस आधार में जो नाम है वो चाहिए ना जी शर्मा नाम दीपक शर्मा नाम दीपक डालिए डी डबल पी ए नंबर 85 आधार कार्ड भेजेंगे ना आधार कार्ड भेजने के 15 मिनट बाद आपका सैंपल लग जाएगा और कोई दयालु गाना हो उन्हें लगा देना मैं घर तक का लगता हूँ घर तक और किसी प्रकार मतलब किसी और का भी मतलब कराना हो तो केदारनाथ जाने वालों का और देखिए जब भी किसी का बताएंगे तो निडी व्यक्ति होगा ऐसे फर्जी वालों का नहीं होता क्या ना जब कोरोना चल रहा है
किसान भी अगर उसको निगेटिवली सोच के दिखा दे तो आदमी का काम कहीं जान you have just seen is real and happening in this country. And this is very unfortunate to tell you that I have the reports which you have just seen, the sting operation one of our reporter conducted in Kanpur. Uske baad jo reports hain wo ye hain. And this is very unfortunate that I am showing you this. Very unfortunate. देश में दो साल से सब अस्त व्यस्त है. कोरोना से लड़ाई लगातार जारी है. हम लोग जीत के इतनी करीब आ जाते हैं लेकिन तब तक इस तरह की चीजें सामने आती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो जो वैक्सीन लगा रहे हैं वो बाहुबली हैं क्योंकि हम लोग जीत की ओर बढ़ रहे हैं कोरोना से जो जंग है उसमें. लेकिन वो ये नहीं बता पाते या उनको दिखता नहीं कि बाहुबली हैं बनते रहे लेकिन काल भैरव कितने घूम रहे हैं जो लोग इस लड़ाई में हमारे खिलाफ खड़े हैं. शर्म आती है ऐसे लोगों पर. एक चीज और, हम जो ऑपरेशन जो स्टिंग ऑपरेशंस लगातार कर रहे हैं, अब मैंने अपने बीते प्रोग्राम आवाज में आपको एक स्टिंग दिखाया जो कि दिल्ली के ओखला से था. दिल्ली के ओखला में 200-300 रुपए लेकर फेक कोरोना रिपोर्ट्स दी जा रही. दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे, दिल्ली सीएमओ की नाक के नीचे, हेल्थ मिनिस्टर की नाक के नीचे, पीएमओ की नाक के नीचे, बिना डर के 200-300 रुपए में. हमने उनको 200-300 रुपए भेजे एक बार वेरिफिकेशन के लिए. उसके बाद हमने आधार कार्ड्स भेजे एंड टू बी सरप्राइज्ड सिर्फ 3-4 घंटे के अंदर उन्होंने हमको हमारी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट्स भेज दी. दिस इज सो डिस्टर्बिंग. डियर व्यूअर्स, दिस इज नॉट जस्ट अ स्कैम. दिस इज नॉट जस्ट यू नो ऑर्डिनरी स्कैम विच इंक्लूड्स ओनली मनी, बट दिस इज मोर देन दैट.
because here this is inhuman. It is taking lives. एक इंसान नेगेटिव रिपोर्ट्स लेता है, नेगेटिव रिपोर्ट्स लेकर वो केदारनाथ जाता है. एक इंसान नेगेटिव रिपोर्ट्स लेता है वो शिमला जाता है. एक इंसान नेगेटिव रिपोर्ट्स लेता है वो गुजरात जाता है. एक इंसान नेगेटिव रिपोर्ट्स लेता है वो कन्याकुमारी जाता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, बंगाल से लेकर बेंगलुरु तक इस तरह से फेक कोरोना रिपोर्ट्स लेकर घूम रहे हैं. एंड व्हाट गवर्नमेंट्स आर डूइंग, दे आर गिविंग कोरोना गाइडलाइंस. हाउ स्टूपिड इज दैट. आप कोरोना की गाइडलाइंस डेली रोज रोज सोमवार रविवार मंगलवार बदल बदल कर सामने रख रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, और आपकी नाक के नीचे कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट्स यूं मिल रही हैं. यूं कोई भी उत्तर प्रदेश के किसी भी छोटे जिले, फरुखाबाद की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद का कोई भी ननकू नेगेटिव रिपोर्ट्स लेकर शिमला जा सकता है, मनाली जा सकता है, घूम रहा है. और इस चीज को समझिए, हमने जब आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को फोन करा, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया. हमने डीसीपी साउथ ईस्ट दिल्ली के जब उनको फोन किया तो उनके पीआरओ से हमारी बात हुई. उनके पीआरओ हमसे कहते हैं, एंड यू विल सरप्राइज टू नो, उन्होंने हमसे कहा कि आप रिपोर्ट लिखवाइए, मतलब मीडिया एक्सपोज करें, नंबर वन मीडिया आपको रिपोर्ट्स दिखाए, नंबर टू मीडिया अपनी जान पर खेल कर फुटेजेस बनाए, नंबर थ्री एंड एट लास्ट मीडिया रिपोर्ट लिखवाए. एंड व्हाट पुलिस इज डूइंग, थानों में चौकियों में बैठकर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट गिविंग ऑर्डर्स, लाठी चार्ज. एक आदमी कार में बैठकर मास्क लगाकर नहीं जा रहा है, उसको रोको, तमाशा करो, वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पर खूब फैलाओ, कोरोना रुक जाएगा इससे. और दिल्ली के ओखला में एक लैब है जो फेक कोरोना की रिपोर्ट्स बांट रही है, उसको नहीं पकड़ना, उससे कोरोना कहां रुकेगा. योगी जी रामराज्य, क्राइम होता है रामराज्य की बात ना करें, बहन बेटियों की आबरू लूटती है रामराज्य की बात ना करें. अगर आप चीजों को संभाल नहीं सकते तो रामराज्य की बात ना करें. देश बीमारी से गुजर रहा है, राज्य बीमारी से बिल्कुल छूता हुआ निकला है, और आप क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है. कानपुर जैसे, जो उत्तर प्रदेश में एक मेट्रो सिटी माना जाता है, कानपुर जैसे जिले के अंदर एक प्रतिष्ठित पैथोलॉजी, लाल पैथोलॉजी, यूं 1200 रुपए पेटीएम गूगल पे आप करिए, फोन में नेगेटिव रिपोर्ट लीजिए, शिमला जाइए, आप पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, ट्रस्ट मी. हमारे रिपोर्टर्स जो कर रहे हैं वो दरअसल आपका काम है, वो शासन का काम है, वो प्रशासन का काम है, लेकिन फिर भी हम इन मुद्दों को उठाते हैं. यू नो व्हाई, बिकॉज आई पर्सनली फील, आई पर्सनली फील कि मीडिया का काम सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स को कवर करना नहीं होना चाहिए, मीडिया का काम सिर्फ पॉलिटिशियंस को कवर करना नहीं होना चाहिए, मीडिया का काम सिर्फ पॉलिटिशियंस के सवाल, पॉलिटिशियंस के जवाब को दिखाना नहीं होना चाहिए, मीडिया का काम सिर्फ पॉलिटिशियंस की साइड लेना नहीं होना चाहिए, मीडिया का काम सिर्फ पार्टी इवेंट्स को दिखाना नहीं होना चाहिए, मीडिया का काम सिर्फ रैलीज को कवर करना नहीं होना चाहिए. मीडिया इज नॉट हियर टू एंटरटेन पॉलिटिक्स, वी आर हियर टू रेज सोशल इश्यूज. मीडिया का काम सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट का ऑर्गेनाइजर, पॉलिटिकल इवेंट का मैनेजर बनना नहीं होना चाहिए, मीडिया का काम होना चाहिए कि सोशल इश्यूज पर बात करें, और जब सोशल इश्यूज पर हम बात करते हैं कोई उस पर बात नहीं करना चाहता. आई एम गिविंग अ चैलेंज to the authorities of Kanpur, please watch this report and immediately take action, and if you are not competent enough to take action, then let us know.
विल डू आवर सेल्स, विल एक्सपोज देम। पूरे भारत में, कश्मीर से लेकर साउथ, नॉर्थ से लेकर ईस्ट, कोई भी अगर इस तरीके की चीजों में संलिप्त है, मैं वादा करता हूं हम उसको एक्सपोज करेंगे। आई हैव टोल्ड ऑल माई रिपोर्टर्स टू एक्सपोज दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आई हैव टोल्ड ऑल माई रिपोर्टर्स टू नॉट कवर एनी पॉलिटिकल इवेंट अंटिल एंड अनलेस वी हैव नॉट एक्सपोज सच पीपल हु आर लिविंग इनसाइड आवर कंट्री एंड मेकिंग दिस फाइट वीकन। एक बात और जो मुझकर अंदर तक झकझोर कर रखती है वो ये है कि जब हम ऐसी चीजें लेकर, जब हम सीएमओ के पास जाते हैं, जब हम अथॉरिटीज के पास जाते हैं, जब हम जिला प्रशासन के पास जाते हैं, उनका रवैया इतना हल्का होता है कि उसको सुनकर हमको लगता है कि क्या है। हमने कानपुर की इस पूरी रिपोर्ट के बाद कानपुर के सीएमओ साहब से बात की। सीएमओ साहब कहते हैं कि जांच जारी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज 9:25 हो गया है, 9:25 हो रहा है, 9:25 होने तक सीएमओ साहब सो रहे हैं, लाल पैथोलॉजी रिपोर्ट्स बांट रही हैं, यह चल रहा है आपके भारत में। अब सीएमओ साहब को सुन लीजिए जरा। पीसीआर प्लीज प्ले द बाइट ऑफ सीएमओ। मैम मेरे पिछले अभी कल परसों ये भी संज्ञान में आया है और मैं उसकी जांच करा रहा हूँ। ये बहुत ही, क्या कहूँ मैं इसके लिए, क्या शब्द यूज करूँ, बहुत ही खराब स्थिति है और बहुत ही अमानवीय भी कह सकते हैं ऐसा कि इस तरह की स्थिति है कि कोरोना संकट जैसे उसमें, कोरोना काल जैसे उसमें, जहाँ एक एक केस को हम ढूंढ कर निकालने वाली बात कर रहे हैं, किसी भी केस को छुपाने के लिए भी अब उसके लिए वो एक एक चीज निकाल रहे हैं, वहाँ अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है उसमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन कितना प्रतिष्ठित है कितना अप्रतिष्ठित है। गलत काम गलत है, सही काम सही है, वो चाहे किसी के भी द्वारा किया गया हो। मैं इसकी जांच करा रहा हूँ, मेरे संज्ञान में आया था, मैं अपने सोर्सेस की जांच करा रहा हूँ। अगर इसमें जरा भी सच्चाई मिली तो इसके खिलाफ मैं उचित नहीं बल्कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की होगा। व्यूअर्स टुनाइट, अगर आज का प्रोग्राम पुलिस महकमे को सोचने पर मजबूर नहीं करता तो उनकी नीयत खराब है। अगर आज का प्रोग्राम स्वास्थ्य मंत्रालय की नींद नहीं उड़ाता तो उनकी नींद हराम है। अगर आज का प्रोग्राम सरकार के कानों में जरा भी हरकत नहीं लेकर आता तो समझ लीजिए उनके कान खराब है। आज के प्रोग्राम में मैंने आपको यह तो कुछ दिखाने की कोशिश की कि देश में सरकारें क्या कहती हैं, क्या कथनी है और उनकी नाक के नीचे क्या कुछ करनी है। इसके बाद सीएमओ साहब ने जो कहा सो कहा, लेकिन जो वहां के एमडी थे उमेश पॉलियोल, इतनी प्रतिष्ठित पैथोलॉजी चलाते हैं, खूब धन कमाते हैं, धन कुबेर बनकर बैठे सेठ, और देश को ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं जहां पर उनके लोग, उनके एम्प्लॉयज नेगेटिव रिपोर्ट्स दे रहे हैं 1200-1200 रुपए। मतलब हम जब कोरोना आया, जब हम शुरुआत हुई कोरोना की, तब हमको ये बताया गया था कि एंटीजन टेस्ट होता है, आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, इनमें बकायदा आपके सैंपल लिए जाता है, सैंपल नेसल होता है, स्वाब होता है, वो सैंपल लिए जाते हैं, उनको लैब में ले जाता है, वहां से निकलकर जो कुछ आता है उसको रिपोर्ट बोलते हैं, उसके आधार पर तय होता है दैट इफ इट इज नेगेटिव और नेगेटिव और इफ इट इज पॉजिटिव और पॉजिटिव। अरे हमको किसी ने नहीं बताया कि पेटीएम करो 1200 रुपए और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव। WHO क्यों नहीं बताता? विदेश में जब WHO के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्यों नहीं बताते कि 1200 रुपए पेटीएम करिए और नेगेटिव रिपोर्ट मिलती है? नहीं बताते, मतलब गैर कानूनी है, और गैर कानूनी है और सीएमओ इस तरीके से बात कर रहे हैं तो सीएमओ साहब थोड़ी सी माइन्यूट शर्म कर लीजिएगा। इसके बाद पालीवाल, उमेश पालीवाल, धन कुबेर साहब, उनके पास रिपोर्टर पहुंचते हैं हमारे, दीपक शर्मा कैमरा पर्सन, तो भाई साहब कहते हैं कि किसी की शायद मन में रंजिश रह गई होगी, उस वजह से तो नहीं ऐसा होगा, शायद हमारा कोई टेक्नीशियन छोटा मोटा लैब अटेंडेंट होगा, उसने लालच में ऐसा कर दिया होगा। उनके लिए बस मुद्दा इतना ही है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी देख लीजिए जरा।
देखिए आपने बताया कि एक पेशेंट कोई दीपक शर्मा थे, वो आपने का कहना है कि उनका सैंपल नहीं लिया गया, तो अभी मैंने अपना रिकॉर्ड पूरा देखा है, 31 तारीख को हमारे यहाँ सैंपल आया है उसका, देवेंद्र नाम का जो हमारे टेक्नीशियन सैंपल लाया है, उससे भी आपके सामने मैंने बात की, उसने बकायदा रसीद नंबर बताया है कि इस रसीद नंबर मैंने रसीद काटी सैंपल लिया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सैंपल पूरा लगा हुआ आप देख सकते हैं, मैं दिखा दूंगा कैसे कैसे उनको जाँच की हुई पूरी। अब अगर कोई नीचे लेवल पे, अभी तो जांच का विषय है कि कोई हो सकता है कोई हमारा विरोधी कोई बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है हमारे टेक्नीशियन की गलती हो, बदमाशी हो, दोनों संभावना है, 50-50 संभावना मान सकते हैं। उसके लिए हम लोग जो बात करेंगे इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो दीपक जी हैं जो जिनका आपने नाम बताया उनसे भी बात करेंगे हम, और उसमें पूरी तरह पर जाएंगे। अगर किसी स्टाफ ने बदमाशी की तो उसको दंड दिया जाएगा। हमारे लेवल पे कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारे यहाँ लैब में सैंपल है, हम सैंपल की जांच ना करें रिपोर्ट दे दें। हमारे इस तरह केस में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग इवन सैंपल रिपीट करते हैं, इतना महंगा जांच है, हम सैंपल इवन कई ऐसे केस हमारे यहाँ हुए हैं कि हमने सैंपल रिपीट किए हैं। आज ही एक ऐसा था, उस समय परिवार के चार लोगों का सैंपल था, चारों में प्रॉब्लम आई, मैंने रिपीट किया, फिर मरीज से मैंने कहा कि भाई हम सैंपल रिपीट करेंगे, मरीज को सैंपल आराम मिल गया होगा, मरीज सैंपल रिपीट नहीं कराया, आज ही मैंने उसके पैसे वापस किए हैं। समय उसने बात की थी, हमने कहा जब भी आएंगे पैसे वापस हो जाएंगे। तो हमारे लेवल पे जब भी हमें कोई शक होता है, प्रॉब्लम आती है, सैंपल रिपीट करते हैं, दोबारा लेते हैं, और हमारे एंड पे कोई गलती की संभावना नगण्य सी ही रहती है। देखिए जीरो संभावना तो कहीं होती नहीं है, दुनिया में कुछ भी होगा तो जीरो गलती तो हो नहीं सकती, लेकिन बहुत ही मिनिमम होती है हमारे लेवल पे। और जब ये जो प्रोग्राम आपने आज देखा, इसको देखकर जरा सोचिएगा, समझिएगा कि कैसे चीजें काम करती है। इस देश में कोरोना को लेकर बात होती है और कैसे चीजें काम करती है। 27 जनवरी 2020 जब कोरोना का पहला मामला केरला में हमको मिला था, उसके बाद अजीब से हालात हो गए थे देश में, पूरा देश बंद, लॉकडाउन, पहली बार हमने ये तस्वीरें देखी थी, हर कोई घर के अंदर था, गरीबों का क्या हाल हुआ था ये भी हमने देखा था, अमीरों के बिजनेस किस तरीके से डूब गए थे ये भी हमने देखा था, एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हुआ था हमने, एक फैमिली में एक क्रिएशन हुआ था, सब फैमिली में साथ बैठकर बातें करने लगे थे, बहुत सालों से जो बच्चा अपने घर नहीं पहुंचा था वो भी घर पहुंचा था, हर कोई अपनों की फिक्र कर रहा था। और तब पूरे देश चीज सोची थी कि हम सब साथ आएंगे और कोरोना से इस जंग में जीत हासिल करेंगे। बहुत मेहनत की है हमारे एक लार्ज नंबर ऑफ, यहां पे मैं लार्ज नंबर ऑफ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्सेप्शंस आर आल्सो ऑलवेज देयर, एक लार्ज नंबर ऑफ पुलिसकर्मी, एक लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, एक लार्ज नंबर ऑफ मीडिया पर्सन, सबने बहुत मेहनत करी है कोरोना से इस जंग में। लेकिन इन जैसे गीदड़, इन जैसे लोग, इन जैसे नालायक, इन जैसे राक्षस इस देश में कोरोना से जो हमारी जंग है उसको कमजोर कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि देश कोरोना से जीते, एंड आई डोंट फील एनी शेम टू से दिस दैट दे आर एंटी नेशनल्स, दे आर द रियल एंटी नेशनल्स। समय की कुछ सीमाएं हैं, वरना विश्वास करिए, कहने को इतना कुछ है कि एक घंटे तक इनके ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा कि इनके कानों से खून आएगा, जो लोग ऐसे काम करते हैं। लेकिन चैनल है, समय की सीमाएं हैं, इसलिए प्रोग्राम को बाइंड अप करने से पहले एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं कि अब आगे क्या कुछ प्रशासन करेगा, क्या कुछ शासन करेगा, क्या कुछ सिस्टम करेगा, यह हम सबको देखना है और आप भी इस चीज को जरूर देखिए। Good night. See you tomorrow.